अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा सांस क्यों फूला हुआ इतना? वो इसलिए क्योंकि मैं हसन अब्दाल की पहाड़ी है, हाइकिंग है काफ़ी, तो मैं वहाँ पर आया हूँ इस टाइम मेरे कज़न के साथ। वो मेरे कज़न जाने आगे आगे वो अपना वेट लॉस के चक्रों में आए हुए हैं और मैं ऐसे उनकी कंपनी देने के लिए आया हूँ। तो अभी भी स्टार्ट किया हाइकिंग और अब ये पीछे का व्यू है, अभी तक का व्यू ये है और अभी हम आगे जा रहे हैं। अभी स्टार्ट की हाइकिंग, अभी से सांस चढ़ने शुरू हो गए। आधा रास्ता तय हो चुका है और पसीने आप देख रहे हैं मेरे किस स्पीड से निकल रहे हैं, गर्मी क्योंकि इतनी है। ऊपर से ये व्यू है इस टाइम, हाफ का हाफ हाइक हो गई है और मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे गंदा तरीन व्लॉग होगा। वो इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में व्लॉग करना आसान काम नहीं है। सांस चढ़ा हुआ फुल, पसीने निकल रहे हैं फुल, शर्ट मेरी घिरी हो चुकी है। वो सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है कि मैं जीन्स पहन के आ गया हूँ। इतनी गर्मी, ऊपर से जीन्स, मुझे कोई शॉर्ट पहन के आना चाहिए था। खैर, हम हाफ पहुँच चुके हैं और हाफ रह गए। और यहाँ पे दो किस्म की व्यू हैं, एक व्यू ये है बिल्कुल इस जगह पे और एक व्यू ये मेरे बिल्कुल पीछे इस जगह पे। और ये रास्ता है आने का और ये रास्ता जा रहा है ऊपर और ये व्यू है। बस गर्मी थोड़ी कम हो जाए ताकि मज़ा आए। इतना पसीना मुझे कभी मेरी सारी ज़िंदगी में नहीं आया होगा जितना मुझे आज आ गया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेस्ट करने के लिए रुका हूँ और ऐसा लग रहा है मैं अभी अभी नहा के आ रहा हूँ, लेकिन पानी से नहीं, अपने ही पानी से। वाह 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 वाह। तो आपकी क्या तफसरात है? क्यों टाइट हो गई है? सूरज अभी तक मुझे बता के आए थे कि जो सूरज है ना वो हम जैसे चढ़ेंगे तो वो नीचे हो जाएगा तो गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सूरज भाई तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। गर्मी, मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग में अपलोड करूँ या ना करूँ, जिस हालत में मैं हूँ ना इस टाइम, यक। सारी थकावट एकदम से हो रही है, उतने मजे की हवा चल रही है और उतने ही मजे का व्यू भी है। अभी आपको मैं वहाँ से पीछे का सारा व्यू दिखाऊंगा, थोड़ा पानी अंदर पी के फ्रेश मार के। ओले, बाल कहाँ जा रहे हैं? खैर छोड़ो, बाल जहाँ भी जा रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि भाई बाल संभाल नहीं हो रहे हिसाब से, ये बात है ठीक है। और ऊपर आके ये कि थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा सांस शांस आया है, पसीना वगैरह सब कुछ सुखाया है। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा व्यू इश्यू पकड़ने के लिए, ये साथ ही है मेरे व्यू भी, तो अभी आपको
नाजरीन, यहाँ पे मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, तो यहाँ पे इतने मज़े की आवाज़ चल रही है, आपको लगा हो रहा था मेरे बाल कहाँ कैसे हिल रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। और आप ये व्यू चेक करें सिर्फ, ओए होए होए होए, थोड़ा बहुत डेंजरस है लेकिन हम भी तो खतरों के खिलाड़ी हैं ना फिर। तो खैर इस टाइम तो मैं फुल व्यू इन्जॉय करने में और हवा इन्जॉय करने में लगा हूँ, और बाकी पिक्चर्स भी नहीं बना रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ। ये तो होगा, हाँ जी एलिस क्या तब सुनाते हैं आपके, हवा आ रही है नहीं? इट्स विंड हियर एट द पीक ऑफ पहाड़ी एंड वी आर रियली हैविंग फन, लॉट ऑफ फन। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, अबे सब्सक्राइब वही करें वही कह रहे हैं। दिस वाज अ टफ टफ ट्रैक, पता नहीं इनको आवाज भी जा रही होगी नहीं जा रही होगी, आवाज आ रही होगी। या अभी मैंने एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कराई है इसके पापा के साथ, बस पता नहीं आवाज सही जा रही होगी, अच्छा वाला होने में भी जा रही है। आप यूज हेडफोन्स कानों में और ऑडियो। ओके यार, ओके जी अब हम जा रहे हैं वापस नीचे, वो इसलिए क्योंकि घर नहीं जाना, क्या यहीं पे रहना रात को। अब तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसे था, मैं घर में बैठा हुआ बड़े आराम से, मेरे कज़न तशरीफ़ लाए, वो रोज़ यहाँ पर आते हैं कि स्टेमिना बन जाएगा, वेट थोड़ा लूज़ हो जाएगा, मतलब स्मार्ट होने के लिए कह सकते हैं। जो आप घर में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पर आके हाइक करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनसे इनको फ़ायदा होता है। तो मुझे वो साथ लिया अपने, तो मैं चलो यार चलो यार तुम खैर है पहले भी मैं बहुत दफ़ा आया हूँ यहाँ पर, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मैं चलो चलता हूँ व्लॉग भी बना लूँगा तो मज़ा भी आएगा। लेकिन आते हुए तो गर्मी उस लेवल की पड़ी है कि मेरी बस होगी, मैंने कहा नहीं भाई। लेकिन खैर भाई ऊपर पहुँच गया, ऊपर पहुँच के ठंडी हवा चल रही थी यार, क्या मज़ा आया ऊपर पहुँच के, क्योंकि ऊपर पहुँच के काफ़ी हवा तेज़ चल रही थी, तो हमें आसरा हो गया, सुकून मिल गया। तो बस ये वहाँ से हम नीचे जा रहे हैं वापस, जैसे आए थे वैसे ही नीचे जाएंगे। अब ये पीछे का व्यू है, शाम हो चुकी है तकरीबन, सनसेट चल रहा है और गोल्डन आवर मेरे सामने का, हमने गोल्डन आवर तो हाँ जी तकरीबन गोल्डन आवर हो चुका है, पिक्चर्स बना ली इंस्टाग्राम के लिए। तो बस अब ठीक है, अब नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके फिर घर जाएंगे।